dear students, in the chapter of light in class 10th, आज हम डिस्कस करेंगे लेंस फॉर्मूला के बारे में, क्योंकि उससे पहले हमने इमेज फॉर्मेशन और बाकी चीजें बता दी है प्रीवियस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं लेंस फॉर्मूला, लीनियर मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ द लेंस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ पावर लेंस, ये हम बात करेंगे और इसके कुछ एग्जाम्पल्स के लिए भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला से पहले हम साइन कन्वेंशन की बात कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो साइन कन्वेंशन को हम देखें तो क्या होगा, साइन कन्वेंशन वैसा का ही वैसा है जैसे हमारे पास मिरर्स में था कि जो लेफ्ट साइड में होगा वो नेगेटिव होगा, जो राइट साइड में बनेगा वो पॉजिटिव होगा, जो अपवर्ड होगा वो पॉजिटिव होगा, जो डाउनवर्ड होगा वो नेगेटिव होगा। तो इसमें सबसे बड़ी चीज है, अगर हम बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के, ठीक है, तो सेम है। यू किसको लेते हैं बेटा, यू हम लेते हैं, यू इज डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। तो यू हमेशा क्या होगा, लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर ऑफ द लेंस, सो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। यहां भी क्या होगा, नेगेटिव। फिर आती है बात वी की, वी क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। तो इसमें जो वी होता है वो पॉजिटिव होता है राइट साइड, केवल एक पोजीशन को छोड़कर, एक्सेप्ट वन कंडीशन पोजीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। क्यों, इस पोजीशन पर हमारे पास क्या हो जाएगा, बी, इस पर बी हो जाता है वो नेगेटिव हो जाता है। क्यों हो जाता है बी, क्योंकि इसमें वर्चुअल इमेज बनती है और वर्चुअल इमेज में क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, और इसमें हमेशा वी क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। इसमें यू नेगेटिव, वी भी नेगेटिव, बिकॉज ऑल द इमेजेस आर वर्चुअल एंड रेट। अब रहता है हमारे पास एफ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ एफ, इसका क्या रहेगा, पॉजिटिव, और इसका एफ क्या रहेगा, नेगेटिव, क्योंकि एपेस टू कन्वर्ज एट ए पॉइंट द लेफ्ट साइड और कन्वर्ज एट द राइट साइड, एफ नेगेटिव रहेगा। एच वन बोले हैं, एच ओ बोले हैं, दैट इज हाई साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमेशा पॉजिटिव रहता है, ये भी पॉजिटिव रहेगा। एच टू लें या एच आई लें, ये हो जाएगा साइज ऑफ इमेज, इसमें नेगेटिव होगा एक्सेप्ट वन पोजीशन, कौन सी वन पोजीशन, इस वाली पोजीशन पर क्या रहेगा, नेगेटिव, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि यहां पर क्या होता है, लेफ्ट साइड बनेगा इरेक्ट रहेगा, और ये हमेशा यहां क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो जो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, ध्यान दीजिएगा, जिसकी इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगी उसकी v की वैल्यू भी नेगेटिव होगी और साइज ऑफ इमेज में भी पॉजिटिव रहेगा, यानी कि बाकी रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, इन्वर्टेड होती है तो एच जो इमेज इमेज की जो साइज होगी, जो साइन होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। और दूसरी चीज, रियल इन्वर्टेड हमेशा राइट साइड में बनेगा लेंस की, और राइट साइड में बनेगा तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, v की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। और ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होती है, इसलिए यहां पर किसकी वजह से हो रहा है, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, यहां भी क्या बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, इसकी वजह से ये साइन कन्वेंशन को ध्यान रखना है आपको। अगर इमेज फॉर्मेशन आता है अच्छी तरह से तो आप साइन को भी कभी गलती नहीं करेंगे। अब आते हैं लेंस फॉर्मूला पे। लेंस फॉर्मूला हमारे पास होता है 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, ये हमारे पास लेंस फॉर्मूला आता है। इसमें आपको मालूम ही है व्हाट इज द वी, व्हाट इज यू, व्हाट इज एफ। तो व्हाट इज वी, वी इज क्या है, यहां पर वी इज डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस,
u is distance of the object from the lens and f is the focal length of the lens ये तीन चीजें हमारे पास रहेंगी। साइन कन्वेंशन के साथ साथ वैल्यू पुट करेंगे, फिर हमारे पास आता है इसका लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या आता है? लीनियर मैग्निफिकेशन। इसको हमने एम से रिप्रेजेंट किया, वही आपके पास आएगा एच टू अपॉन एच वन, और वी कैन से एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू यू होता है वी अपॉन यू। ध्यान दीजिएगा चेंज हो गया है, ये तो सेम दिख रहा है H2 upon H1, लेकिन मिरर में माइनस V अपॉन U था, यहां पर क्या हो गया V अपॉन U, और H2 H1 क्या है हमारे पास H2 है H I यानी कि साइज ऑफ इमेज, H1 बोले या H O बोले साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास फॉर्मूले में ध्यान रखना है। ठीक है, दिस इज द लेंस फॉर्मूला विच आर यूजिंग इन दिस एक्सरसाइज। अब आता है हमारे पास पावर ऑफ लेंस। देखिए एक चीज और चीज बता दूं मैं, लीनियर मैग्निफिकेशन में अगर हमारे पास m की वैल्यू ग्रेटर देन है, अगर m की वैल्यू वही सेम, m इज ग्रेटर देन 1 दैट इज मैग्निफाइड, m इज लेस देन 1 डिमिनिश्ड, और m is equal to 1 आ जाएगा तो क्या आ जाएगा सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट के लिए m1 m2 ये मिरर की तरह ही काम लेंगे। सो हम बात कर रहे हैं पावर ऑफ लेंस। द पावर ऑफ लेंस मीन इट इज द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ट द रे ऑफ लाइट एट ए पॉइंट। क्या हो जाएगा? इट इज द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्स द रे ऑफ लाइट एट ए पॉइंट। अब इसमें क्या होता है, इसको होता है इट इज रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ठीक है, दैट मीन्स P इज इक्वल टू वन अपॉन F, F इज ऑलवेज इन मीटर्स, F इज इन मीटर्स, मीटर में काम करेंगे सेंटीमीटर में नहीं, और यूनिट ऑफ पावर ऑफ द लेंस इज डायोप्टर। एक यूनिट जो होती है डायोप्टर। ठीक है, इसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये मीटर से रिप्रेजेंट कर देंगे, यानी कि पी इन डायोप्टर इज इक्वल टू एफ इन मीटर। ये ध्यान रखना है, कभी आपने देखा होगा लेंस का जो नंबर आता है वो 5+5+2 या -5+-2 होता है, वो फोकल लेंथ होता है। अगर हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, कौन सा लेंस है बेटा? कॉन्वेक्स लेंस, तो फोकल क्या होती है, फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो पावर भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, जैसे 5। और अगर हमारे पास कॉनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ क्या होती है इसकी, नेगेटिव, क्या होती है नेगेटिव, तो पावर भी क्या हो जाएगी नेगेटिव। ध्यान दीजिए जिसके पास पास का चश्मा लगा हुआ है, यानी कि पास का साफ नहीं दिखता, तो कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं तो उसका नंबर पॉजिटिव में आता है, +2+1 का नंबर का चश्मा लगता है। अगर जिसको दूर का साफ नहीं दिखता उसमें नेगेटिव नंबर का चश्मा लगता है, यानी कौन सा लेंस लगेगा, कॉनकेव लेंस लगेगा। आते हैं नेक्स्ट पर पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पर, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, जब हमारे पास जो थिन लेंसेज है इनको हम थिन लेंसेज बोलते हैं, जब कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस, दे आर इन कॉन्टेक्ट। यहाँ ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज दे आर इन कॉन्टेक्ट। व्हेन द थिन स्फेरिकल लेंसेज आर इन कॉन्टेक्ट द सम ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल पावर ऑफ लेंसेज इज द टोटल पावर ऑफ द कंबाइंड लेंस दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंसेज। तो क्या होता है यहाँ पर, यानी कि मतलब क्या हो गया कि जो टोटल आएगा वो आएगा P1+P2+P3 एंड सो ऑन, दैट इज एल्जेब्रिक सम ऑफ द पावर ऑफ लेंसेज। यानी कि इसका डेफिनेशन क्या हो गया, इसके डेफिनेशन को अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे,
when thin lenses are in contact, then algebraic sum of powers of individual lenses is total या equivalent power of combined lens. ये हो जाएगा हमारे पास power of combination of lenses. For example, अगर हम example की बात करें, अगर हमारे पास P1 जो है 5 डेप्थ डिटेक्टर का लगा हुआ है, यानी कि कौन सा लेंस लगा हुआ है, ये प्लस का लगाया तो कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस. दूसरा इसके साथ हमारे पास -3 डायोप्टर का लगा हुआ है, तो टोटल जो पावर बनेगा क्या बनेगा, P1 + P2, दैट इज +5 + -3 = +2 डायोप्टर, यानी जो कंबाइंड लेंस का जो पावर आएगा वो आएगा +2 डायोप्टर. डायोप्टर का मतलब समझते हो, हमने मीटर में लिया है. अगर आपको फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दिया जाए तो अगर उसको पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेना है, ध्यान रखिएगा. तो इस तरह से पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस से निकाल सकते हैं. एक क्वेश्चन पे बात करते हैं, ये आपका सेम एग्जांपल है एनसीईआरटी का. इसमें दिया हुआ है कि ए 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड देयर फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज 10 सेंटीमीटर. द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर. फाइंड द नेचर पोजिशन साइज ऑफ द इमेज. तो क्या क्या दिया हुआ, सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है. तो ये ध्यान रखिए, कॉन्वेक्स लेंस रहते ही सबसे पहले आपको साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है. तो सबसे पहले हमें कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ दे रखा है f = क्या होता है, पॉजिटिव, तो +10 सेंटीमीटर, राइट. डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट किससे रिप्रेजेंट करते हैं, u से. u क्या होता है, -15 सेंटीमीटर. तो हमें रह क्या गया, v. तो पहले आपको लेंस फॉर्मूले से v निकाल लीजिए. सो 1/v - 1/u = 1/f. So 1/v = 1/f + 1/u, put the values, so is equal to 1/10 - 1/15, LCM is 30, तो क्या आ जाएगा, LCM 30 रखेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 3 - 2, that is 1/30, तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, v is equal to +30 सेंटीमीटर, plus का आंसर आ रहा है, तो nature और position क्या हो गई, it is 30 centimeter from the object, तो हमारे पास nature क्या होगी इसकी, अगर v पॉजिटिव हो तो नेचर क्या होगी, रियल एंड इनवर्टेड. ये मैंने बताया था आपको कि अगर v की ने पॉजिटिव आएगी और v = +30 है, तो दैट इज मींस 30 सेंटीमीटर इमेज 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, सॉरी लेंस. फिर साइज पे आ जाइए, क्योंकि m = होता है हमारे पास h2/h1 = v/u. सो h2 = v/u (h1), put the value, v is 30, u is 15, -15, and h1 is +20. Height दे रखा आपको, कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा, -4, यानी कि size of image is 4 सेंटीमीटर, क्योंकि जब लैंग्वेज में लिखेंगे तो साइन नहीं लगाना है. फिर रहेंगे अपने पास मैग्निफिकेशन, m. मैग्निफिकेशन अभी किया है, v/u, v कितना आया, 30, और u कितना है, कितना रहा u, -15, m = क्या हो गया, -2, यानी कि ये क्या हो जाएगा, सेकंड, यानी कि ट्वाइस ऑफ द साइज, क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ द साइज. अभी इस तरह से आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ और किस तरह से हमें पुट करके वैल्यू निकालनी है. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, यू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें भी वो ध्यान रखना है, लेंस क्या है, कौन सा लेंस दिया हुआ है, कॉनकेव लेंस. कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस. इस क्वेश्चन में क्या है, एक कॉनकेव लेंस व्हिच द फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस सो दैट इट फॉर्म एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस. तो इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया आपसे, ऑब्जेक्ट को कहां रखें, यानी कि यू, इमेज कहां पर बन रही है, 10 सेंटीमीटर पर. तो आपको दिया क्या गया है, एफ. सबसे पहले क्या दिया गया है, कॉनकेव लेंस. कौन सा लेंस है,
कॉनकेव लेंस, तो कॉनकेव लेंस में एफ क्या होगा, नेगेटिव, दैट इज -15 सेंटीमीटर। यू आपको निकालने का है, फाइंड करने का है। एफ वी क्या होगा, अब बताइए कॉनकेव लेंस में वी क्या होता है। कॉनकेव लेंस में इमेज हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, तो लेफ्ट साइड में बनेगी, लेफ्ट साइड में बनेगी तो वी क्या हो जाएगा, नेगेटिव -10 सेंटीमीटर। पुट द फॉर्मूला, 1/v - 1/u = 1/f। सो व्हाट इज द 1/u, 1/u = 1/v - 1/f। पुट द वैल्यूज, 1/v - 10, -15, सो अगेन एलसीएम इज 30, तो दैट इज -3 +2, दैट इज -1/30, सो u = -30 सेंटीमीटर। सो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, क्या लिखेंगे, द ऑब्जेक्ट इज शुड बी प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ऑब्जेक्ट एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अब दूसरा क्या पूछा, मैग्निफिकेशन, m = क्या होता है, v/u, v कितना आ रहा है -30, u कितना है, सॉरी v कितना दिया हुआ आपको -10, u कितना आ रहा है -30, तो दैट इज 1/3, 1/3 है तो क्या मतलब हो गया, डिमिनिश्ड, क्या हो जाएगा ये, डिमिनिश्ड, क्योंकि m की वैल्यू लेस देन 1 आ रहा है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ ए लेवल डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाई ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, डिटरमाइन द साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड इफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन कभी CBSE 2018 में आया हुआ है, शायद कंपार्टमेंट में या मेन एग्जाम में, CC में भी आया हुआ है क्वेश्चन है। तो मेन चीज इसमें, ये दूसरा पार्ट तो अपन ने किया हुआ है, ये जो पार्ट तो किया हुआ है, लेकिन मेन चीज है ड्रॉ द लेवल डायग्राम। तो पहले अपन इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर एक लेवल डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। तो दिया हुआ है हमारे पास क्या, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक, उसके बाद क्या दिया हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस तो फोकल लेंथ एफ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो दैट इज 15 सेंटीमीटर। When the object is placed at a distance, यानी कि क्या दिया, u, u को क्या लेते हैं, negative, that is 25 centimeter. Determine the size of the image, यानी कि सबसे पहले हम v निकाल लें, और v निकालने के बाद हम साइज ऑफ इमेज निकाल लेंगे h2, क्योंकि हमारे पास h1 दे रखा है, h1 दे रखा है 4 सेंटीमीटर, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले 1/v - 1/u = 1/f लेंस फॉर्मूला, सो 1/v = 1/f + 1/u, पुट द वैल्यू विद द साइन, +15 + -25, एलसीएम क्या ले लेंगे इसमें, 75 एलसीएम ले लें, 15 × 5 = 75, +-3, दैट इज 2/75, सो v = 75/2, दैट इज 37.5 सेंटीमीटर। ये हमारी इसकी पोजीशन आ गई। अगर हम साइज निकालें तो m = h2/h1 = v/u, so therefore h2 = v/u × h1, v = 75/2, u = -25, and h1 = 4 सेंटीमीटर। तो उसको कैंसिल करेंगे, 25 3 जब तो जाएगा -3/2 × 4, दिस इज कैंसिल, दैट इज -6, सो साइज ऑफ द इमेज इज 6 सेंटीमीटर, ये हमारे पास आ गया। अब इसको हम देखिए, इसका डायग्राम समझने के लिए आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस ले लीजिए, और कॉन्वेक्स लेंस लेने से पहले इसके स्केलिंग कर लीजिए, जिससे कि हम डायग्राम बनाना है। ये 25 है, ये 37.5 है, ठीक है, एच हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, और ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। तो इसकी स्केलिंग कैसे करोगे आप, तो आप स्केलिंग करने के लिए एक्सिस पे आप एक चीज ले लीजिए और वाई एक्सिस पर अलग ले लीजिए। तो एक्स एक्सिस पर अगर हम लेंगे तो यहाँ मिलिए 5-5 सेंटीमीटर के हिसाब से, ये लेंस ला लिया हमने कॉन्वेक्स लेंस, ये हमने ओ मान लिया ऑरिजिन, सेंटर ऑफ कर्व, सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर ले लिया, इधर से आपने फोकल लेंथ इसकी कितनी रखी, 15, तो ले लिया 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, ये हो गया 15 सेंटीमीटर, 5 1 1 सेंटीमीटर। स्केलिंग क्या कर हमने, स्केल बनाने के लिए 5 सेंटीमीटर = 1 सेंटीमीटर ले लिया। अब हमारे पास u कितना है, 25, तो 1 2 3 4
4 और ये 5, यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट प्लेस कर दीजिए। ये आपके पास कितने सेंटीमीटर का दे रखा है, यू 4 सेंटीमीटर का, तो 4 सेंटीमीटर का एज इट इज ले सकते हैं, या 4 का नहीं लेगा तो इसको भी आधा कर दीजिए। साइज के लिए स्केल करना है, साइज के लिए स्केल क्या करेंगे कि 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो ये 2 सेंटीमीटर का बन जाएगा। ठीक है, अब आपके पास इधर भी वही करेंगे 1 2 3, क्योंकि 37.5 का मतलब क्या हो गया, 5 से 35, 6 और 5 7 7 और 7.5, 1 2 3 4 5 6 7.5 यहां पर आएगा लगभग। तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट बनेगा और ये 6 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट या इमेज यहां बनेगी, ये 6 का मतलब 3 सेंटीमीटर हो गया। अब इसके हिसाब से आप बनाते चले जाइए, सीधा ले जाइए इसके पास। इसका फोकस कहां होगा, 15 पर, यहाँ 15 पर फोकस है, तो यहां से लाइन पास कराइए और इसको यहाँ ज्वाइन कराइए, आराम से ज्वाइन कराइए इसको, इस तरह से ज्वाइन हो जाएगा, फिर एक सीधा रे यहां से निकलेगा और इस पे जाके मिलेगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर इमेज बन जाएगी। इस तरह से आपको इमेज लेके जाना है। ये डिस्टेंस क्या हो गई, 25 सेंटीमीटर, यहां से डिस्टेंस कितनी होगी, 37.5 सेंटीमीटर, ये साइज कितना होगा, 4 सेंटीमीटर, और ये कितना जाएगा, 6 सेंटीमीटर। स्केल आपने पहले से लेके रखा है, ये किसके लिए है, प्रिंसिपल एक्सिस पे स्केल लिया है, और ये आपने साइज के लिए। तो इस तरह से एक डायग्राम बनाना है आपको साथ साथ, तो स्केलिंग करके डायग्राम बनाना है। मेन इसका डायग्राम है, किस तरह से आप स्केल करेंगे, दैट इज डिपेंड ऑन क्वेश्चन। सो इस तरह के क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है, और जितने भी आपके इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज क्वेश्चन है उनको आप सॉल्व करिए, विद द सॉल्व इन द नेक्स्ट वीडियो।